वैसे इतना सब करने की क्या जरूरत थी? तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारे लिए ये सब तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे ना ये सब चीज़ें बहुत पसंद आई। अच्छा मुझे ये बताओ और क्या लाए हो मेरे लिए? पहले अपनी आंखें बंद करो, फिर बताता हूँ। ओके लो कर दी। अभी खोलो। थैंक यू सो मच। आई लाइक यू एज माई फ्रेंड। मैंने तुमको गिफ्ट में अपनी पूरी लाइफ की दोस्ती दे दी है। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, आटे से सनी हुई थी, क्रीम रोल जैसी लग रही थी। लेकिन जब भी मैं दूसरी बार देखा, कितनी अच्छी लग रही थी। अगर आप शादीशुदा नहीं होते ना, तो मैं अभी तक प्रपोज कर चुका होता आपको। कुछ भी नहीं। अभी इतना कुछ किया तो एक हक तो बनता है ना। थैंक यू सो मच ये सब करने के लिए। मोस्ट वेलकम जी। आपको पता है आप एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं और आप बहुत अच्छे टीचर भी हो। सिखाने वाला अच्छा हो तो सीखने वाला अच्छा बन ही जाता है। ये भी हो सकता है। लीजिए ना, प्लीज खाइए। नहीं हाँ, आप भी लो ना। हाँ यार राज, ये फर्स्ट नाइट की एक्टिंग वगैरह मुझे ना बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। यार अब तुम बहुत बोरिंग और डरपोक टाइप की लग रही हो। देखो तुम्हें एक्टिंग सीखनी है, वो भी मुझसे, तो फिर तुम्हें ये सब तो सीखना ही पड़ेगा ना। लेकिन फर्स्ट नाइट की एक्टिंग कौन सीखता है? देखो किसी फिल्म में अगर एक्ट्रेस बनोगी, आई मीन नॉट रियल बट रियल लाइफ में, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। ऑडियंस को तो सब कुछ दिखाना ही पड़ेगा, है ना? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? पक्का ट्रस्ट है? तभी तो तुमसे एक महीने से मैं एक्टिंग क्लास ले रही हूँ। फिर क्या प्रॉब्लम है, रिलैक्स हो जाओ, है ना? हाँ। पराशर एक बार फिर से आज की क्राइम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बात दरअसल यह है कि एक शादीशुदा औरत को कभी भी अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को दबाकर नहीं रखना चाहिए। यही एक जरिया है जिसके द्वारा वो समाज में अपना नाम बना सकती है, प्रतिष्ठा को कायम कर सकती है। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही शादीशुदा औरत पायल की है। आइए देखते हैं। टिफिन। थैंक यू। सुनिए, आप तो दिन भर ऑफिस में होते हो और मैं सारा दिन यहाँ पर बोर हो जाती हूँ। आपको तो ना मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। व्हाट हैपेंड? पिछले एक साल से यही बात बार बार रिपीट हो रही है। देखो फैमिली का कोई मेंबर है नहीं, मम्मी पापा तो गांव में हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है बताऊँ? आपको तो पता है ना मुझे एक्टिंग का कितना शौक था, लेकिन फिर आपका रिश्ता आया और पापा ने मेरी शादी आपसे करवा दी। आई नो एवरीथिंग, बट एक्टिंग सीखने तक ही सीमित रखना, फिल्मों में काम वाम करने के बारे में सोचना तक नहीं। जानती हो ना बॉलीवुड में कितना डर्टी पॉलिटिक्स है, काम पाने के लिए क्या क्या लोग करते हैं। अरे अभी तो मैंने एक्टिंग सीखी भी नहीं और आप फिल्मों की बातें करने लगे, पहले मुझे एक्टिंग तो सीखने दीजिए। ठीक है, मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ, दोस्तों से बात करूँगा। कोई होम ट्यूटर हो जो एक्टिंग सिखाने वाला हो या वाली हो, मैं आज कंफर्म करता हूँ। ठीक है? ठीक है। ओके ओके बाय बाय।
एम राज, यहाँ से एक्टिंग सीखने के लिए कॉल आया था एक्चुअली। हाँ वो मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया होगा। ओके ओके ओके, तो आपको सीखनी है क्या एक्टिंग? हाँ हाँ, मुझे एक्टिंग की ट्यूशन लेनी है। आप आटे से नहा रहे थे क्या? आई मीन आपके फेस पे आटा एंड ऑल सब लगा हुआ है। आइए ना अंदर आइए। हाय राज। हाय, हैव अ सीट। या थैंक यू राज, आपसे तो बात हो गई थी एक्टिंग की फीस के बारे में। हाँ जी, वाइफ से भी आप मिल गए। जी जी। तो कल आप 11 बजे के बाद कभी भी आइए, स्टार्ट करिए इन्हें एक्टिंग सिखाना। ओके श्योर। और इन्हें 2-3 महीने में अच्छी एक्ट्रेस बना दीजिए, एकदम ट्रेन एक्ट्रेस। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने बहुत लोगों को एक्टिंग सिखाया है, मैम को भी मैं कुछ दिनों में कमाल का एक्टर बना दूंगा। कल 11:30 बजे आता हूँ, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। अब तो खुश हो? हाँ बहुत ज्यादा। आपका पैशन पूरा होने वाला है। क्या बात है मैम, आज तो आप फ्रेश ब्यूटीफुल बुके लग रहे हो यार। कहीं आपका कॉम्प्लीमेंट कल पर बेस्ड तो नहीं है? वो कल फेस में आर्ट एंड डॉल लगा था। नहीं नहीं नहीं, आज आप वाकई अच्छे लग रहे हो। तो एक्टिंग सीखने के लिए रेडी हो? या श्योर। शुरू करें? या ऑफ कोर्स, चलिए। सर आई एम डन। ठीक है, जो भी डायलॉग बोलना मेरी आंखों में देखकर बोलना, उससे क्या है ना तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है सर, मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है आंखों में देखना एंड ऑल। नहीं नहीं टेंशन मत लो, बस ट्राई करो, हो जाएगा। बोलो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है, मुझे यहाँ से ले चलो राज। स्क्रिप्ट में तो मैंने राहुल लिखा था ना? सॉरी वो मैं। नहीं नहीं नहीं, इस ओके, कोई बात नहीं, परेशान मत, इतना कॉन्शियस मत हुआ करो। ठीक है आप बैठो, पहले बैठ जाओ। अब ये बताओ कि तुम एक्टिंग क्यों करना चाहती? वो क्या है ना, मेरे पापा को बहुत शौक था कि मैं एक्ट्रेस बनूं, और अब ये मेरा भी सपना है। अभी देखो आपने इतना नॉर्मल इतना नेचुरल बोला ना, ऐसे ही बोलना रहता है कैमरे के सामने भी, ठीक है? तो इतना घबराया मत करो, अब मैंने इतना मेहनत किया है तो अगर गर्मा गर्म चाय पिला देते तो अच्छा करते। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। Thank you.
वैसे इतना सब करने की क्या जरूरत थी? तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारे लिए ऐसा तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। वैसे मुझे ना ये सब चीज़ें बहुत पसंद आई। अच्छा मुझे ये बताओ और क्या लाए हो मेरे लिए? पहले अपनी आंखें बंद करो, फिर बताता हूँ। ओके स्लो कर दिए। अभी खोलो। थैंक यू सो मच। आई लाइक यू एज माई फ्रेंड। मैंने तुमको गिफ्ट में अपनी पूरी लाइफ की दोस्ती दे दी है। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, आटे से सनी हुई थी, क्रीम रोल जैसी लग रही थी। लेकिन जब भी मैं दूसरी बार देखा, कितनी अच्छी लग रही थी। अगर आप शादीशुदा नहीं होते ना, तो मैं अभी तक प्रपोज कर चुका होता आपको। कुछ भी, अभी इतना कुछ किया तो एक हक तो बनता है ना। थैंक यू सो मच ये सब करने के लिए। मोस्ट वेलकम जी। आपको पता है आप एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं और आप बहुत अच्छे टीचर भी हो। सिखाने वाला अच्छा हो तो सीखने वाला अच्छा बन ही जाता है। ये भी हो सकता है। आप प्लीज खाइए। नहीं हाँ, आप भी लो ना। हाँ यार राज, ये फर्स्ट नाइट की एक्टिंग वगैरह मुझे ना बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। यार अब तुम बहुत बोरिंग और डरपोक टाइप की लग रही हो। देखो तुम्हें एक्टिंग सीखनी है, वो भी मुझसे, तो फिर तुम्हें ये सब तो सीखना ही पड़ेगा ना। लेकिन फर्स्ट नाइट की एक्टिंग कौन सीखता है? देखो किसी फिल्म में अगर एक्ट्रेस बनोगी, आई मीन नॉट रियल बट रियल लाइफ में, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। ऑडियंस को तो सब कुछ दिखाना ही पड़ेगा, है ना? तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है? पक्का ट्रस्ट है? तभी तो तुमसे एक महीने से मैं एक्टिंग क्लास ले रही हूँ। फिर क्या प्रॉब्लम है, रिलैक्स हो जाओ, है ना? हाँ। राज, मैंने अपने पति को धोखा दिया है। मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ। पायल, तुमने कोई धोखा नहीं दिया है। हमने केवल इश्क किया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। ठीक है। बंद ही कर देती हूँ। ये लड़का कभी नहीं मानने वाला। इसका ना कुछ इलाज ही करना पड़ेगा। इसकी ना बिल्डिंग में एंट्री बंद करवा दूंगी। धीरे धीरे राज की भावनाएं पायल के लिए भरने लगी और उसके साथ ही ये भावनाएं दीवानगी से ज्यादा जुनून की हद तक पहुंच गई थी। अब उसका यह जुनून उसे किस मोड़ पर ले जाएगा, आइए देखते हैं। बताओ
अब क्या काम है? क्या चल रहा है ये? मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी, निकलो यहाँ से। मेरी फोन इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे इश्क करता हूँ? ये कोई जिस्मों का खेल नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये प्यार प्यार ना कुछ नहीं होता है। देखो ये हमारे बीच प्यार ही है, मुझे जब जब मन करेगा मैं तब तब आऊंगा प्यार करने, और तुम्हें करना होगा। मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, नहीं तुम्हें वॉचमैन को बुला दूंगी। वॉचमैन, देखो हमारे बीच प्यार है तो ये अच्छी बीबी एंड ऑल बनने का नाटक सब बंद कर दो। वॉचमैन, ये वॉचमैन का ना नाटक तुम बंद कर दो, समझे? छोड़ो, मेरा जब जब मन होगा मैं तब तब आऊंगा। जो भी अभी हमने देखा वो सही था क्या? एक शादीशुदा लड़की पायल को एक पराये लड़के के साथ एक्टिंग के नाम पर ये सब करना सही है? शायद उसके पति को भी इसकी जानकारी नहीं है। आगे क्या होगा इस कहानी में, आइए देखते हैं। पायल, पायल क्या बात है, आजकल बहुत खोई हुई रहती हूँ। नहीं नहीं मैं कहाँ खोई खोई रहती हूँ, सब ठीक है। तुम्हारा टीचर अच्छे से एक्टिंग सिखा रहा है ना? कोई नहीं, आज शाम को आते हैं, चलते कहीं बाहर घूमने। ओके ठीक है। मेरा जब जब मन होगा मैं तब तब आऊंगा। पता है ना मुझे एक्टिंग का कितना शौक था, लेकिन फिर आपका रिश्ता आया और पापा ने मेरी शादी आपसे करवा दी। आई नो एवरीथिंग, बट एक्टिंग सीखने तक ही सीमित रखना, फिल्मों में काम करने के बारे में सोचना तक नहीं। जानती हो ना बॉलीवुड में कितना डर्टी पॉलिटिक्स है, काम पाने के लिए क्या क्या लोग करते हैं। मुझे इग्नोर कर रही हो, मेरे कॉल का रिप्लाई नहीं कर रही हो, तुमने वॉचमैन से भी बोल के रखा है कि मुझे मिलने ना दे। मैंने तुमसे इश्क किया था और तुमने मेरा मजाक बना के रखा हुआ है। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी ना, मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूं। मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा ना, तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा जी। जस्ट वेट एंड वॉच। भगवान मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस कहानी का जो अभी आपने अंत देखा वो अंत बड़ा ही दर्दनाक था। हमें रिश्तों में हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। रिश्तों का धागा बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही महीन होता है, अगर एक बार टूट जाए तो उसमें गांठ पड़ ही जाती है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई कहानी में, क्राइम सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।